नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सिकंदरा कानपुर देहात के थाना सिकंदरा का पूरा मामला, गल्ला व्यापारी से दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर 2,90,000 रुपए की लूट कर डाली। पीड़ित ने डायल 112 पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे व क्षेत्राधिकारी संजय वर्मा के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। घटना को लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। उक्त गल्ला व्यापारी के साथ ये तीसरी बार घटना घटित हुई है। सिकंदरा कस्बे के मालवीय नगर निवासी गल्ला व्यापारी रामचंद्र दीक्षित पुत्र श्याम सुंदर दीक्षित ने बताया कि वह गल्ला का व्यापार करता है। रविवार के दिन हरिहरपुर बाजार में गल्ला खरीदने के लिए वह अपने पल्लेदार साथी भगवान स्वरूप उर्फ दादी के साथ झोले में 2,90,000 रुपए लेकर गल्ला खरीदने के लिए सुबह 8 बजे घर से हरिहरपुर बाजार के लिए निकला। जब वह गोपालपुर के आसपास पहुंचे तो 3 लुटेरे युवक और मोटरसाइकिल से खड़े हुए थे। उनको देखकर मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर दी कि तभी मोटरसाइकिल सवार युवक पीछा करते हुए मेरे आगे अपनी मोटरसाइकिल लगा दी कि तभी एक युवक ने हम दोनों के ऊपर तमंचे तान कर मोटरसाइकिल की चाबी मोबाइल व 2,90,000 कैश से भरा झोला छुड़ाकर फरार हो गए। घटना के बाद राहगीर उधर से निकले, तब मैंने उनको रोककर घटना के बारे में थाना पुलिस व परिजनों को सूचना दी तो वहीं पीड़ित व्यापारी रामचंद्र दीक्षित ने बताया कि उसके साथ पूर्व में भी लूट की 2 घटनाएं घटित हो चुकी है, ये तीसरी लूट की घटना है। घटना की सूचना मिलते ही समूचे कस्बे में व्यापारियों में हड़कंप मच गया। घटना से व्यापारियों में भय का माहौल व्याप्त है, साथ ही व्यापारियों में आक्रोश भी है। उन्होंने बताया कि घटना का शीघ्र पर्दाफाश न होने की स्थिति में व्यापारी संवैधानिक रूप से आंदोलन के लिए विवश होंगे। थाना प्रभारी निरीक्षक महेश कुमार ने बताया कि घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है, फिर भी गहनता से जांच की जा रही है, जो भी तत्व सामने आएंगे उसी के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो 8 बजे घर से निकले तो 8 या 10 से 12-15 के आसपास हम गोपालपुर के सामने आए गए। गोपालपुर के सामने आए, एक एक जैसे गोपालपुर के सामने आए थे मोटरसाइकिल खड़ी थी, 3 लोग खड़े थे। तो हम ये मतलब नहीं समझ पा रहे थे कि ये वाकई में ये बदमाश हैं या कोई कोई नहीं है, हमने जानकारी बताई थी। हम ज्यादा 50 मीटर आगे नहीं बढ़ पाए तो हमने साइड सिस्टम देखो कि ये लोग मोटरसाइकिल बैठ के वहाँ पीछे करने लगे। कौन सी मोटरसाइकिल थी उनकी? हमारी प्लेट ना है उनकी, वो है पल्सर है शायद। तो उन्हें जैसे हमने साइड शीशा देखो पीछा कर, उसमें गाड़ी भगवे प्रयास करो, लेकिन गाड़ी मैं नहीं रोक पाई, लिहाजा उन्हें गाड़ी के आगे हवाई लगाई दी, गाड़ी लगाई दी और रुकाए लोग। दादी जो हमारे संगे थे, ये हमारे पूरा नाम क्या है दादी का? भगवान स्वरूप, भगवान स्वरूप दुकान से बुलाए लो और इन्हें बुलाए लो, इन्हें जब विरोध करो उनको सुन लो, जब इन्हें विरोध करो इन्हें तो इनके 4 झापड़ वाले मौले बहादुर चौध की झोला निकालने भोसले की गोली मार देंगे, इन्हें तमंचा लगाए दो, पीलो तमंचा तो पीलो कलर को हो जो जो हम जी जानते नहीं है, बोले भोसले की देर निकाल के बहादुर चौध गोली मार दी है, इन्हें 4 से झापड़े मार दें। ये कहानी भाई कह दी हम मोबाइल हमारा मोबाइल मतलब जो जेब से निकाल लेंगे और गाड़ी की चाबी लेंगे और उधर निकल गई है। आपने पुलिस में तहरीर दी क्या? तहरीर का लड़का गो देना। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।